एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। तो हम ये नई सीरीज लेके आए हैं आपके लिए जिसका नाम है एग्जाम स्पेशल। सो आज बात करेंगे कंफ्यूजिंग डिपार्टमेंट्स एंड देयर मिनिस्ट्रीज के बारे में। कई एग्जाम्स फॉर एग्जांपल सीएपीएफ और सीडीएस में पूछा जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर बिलोंग करता है, पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम मिनिस्ट्रीज के साथ बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो देखते हैं आगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कम अंडर ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और डी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। सो द आंसर इज बी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है बिकॉज फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयां, और कहीं ना कहीं हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बिटवीन SNT केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अब इनको कैसे सॉल्व करना है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर। सो फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो इसके अंदर तीन डिपार्टमेंट आते हैं बेसिकली, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का याद करना कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कम्स अंडर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री कराता है। सो नेक्स्ट थिंग इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो इसके अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो कि इसके नेम से मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जिसे हम डिप के नाम से भी जानते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि डिप जो है वो किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बाकी जो डिपार्टमेंट है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST या डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हम लोग इजीली देख सकते हैं कि ये लोग SNT के अंडर आएंगे। पर कंफ्यूजन कहाँ आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये चीज याद करने के लिए है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसका अभी रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, इसको DPAM भी कहते हैं, DIPAM। ठीक है, ये रहे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो आते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सीधा नीचे आते हैं इसके अंदर बेसिक तीन डिपार्टमेंट आप आते हैं, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट एंड इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। सो जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर दो सब डिपार्टमेंट्स आते हैं जिसके हम सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेशन बोर्ड और सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स बोर्ड। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट के अंदर प्लान फाइनेंस डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं इकोनॉमिक डिवीजन, बैंकिंग डिवीजन, इंश्योरेंस, बजट, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल फाइनेंस। सो ये चीज याद करने वाली है, ठीक है, कि इसका क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या इसके अंडर आता है। नेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये चार डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन जो कि इसे, और तीसरा जिसे हम DRDO भी कहते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर किसके अंडर आता है। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट कहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर तो नहीं आता या डायरेक्टली इसे PMO तो नहीं ऑपरेट करता, पर हमें यह याद करना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि एक्स सर्विसमैन हमेशा डिफेंस के ही होते हैं। देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का चार्ट, इसे आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या क्या कैसे कैसे होता है, टाइम मिले तो इसे जरूर देखना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करते हैं। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट एंड जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट, ये एक अलग से डिपार्टमेंट है। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट। सो जो ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है ये ऑफिशियल लैंग्वेज सेक्रेटरी के अंडर आता है। ठीक है,
और नेशनल कमीशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर और क्या क्या आता है, तो ये वाली जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो CAPF एग्जाम होते हैं या CDS एग्जामिनेशन होते हैं उसके अंदर इस लिस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है कि CRPF किसके अंदर आती है, CISF, BSF, ITBP, असम राइफल्स, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या ऑपरेट करता है। ओके, तब आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की बात करते हैं। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में कि इट इज दी ओल्डेस्ट लिम्ब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया था जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे। इसके अंदर तीन डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। देखो जो कंफ्यूजिंग डिपार्टमेंट है वो है नंबर 2, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, तो हमें याद करना है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड द थर्ड वन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस नाम का भी एक डिपार्टमेंट है जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। तो कंफ्यूज मत होना कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किसके अंदर आता है एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस किसके अंदर आता है, ये दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। सो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज कम्स अंडर, मैंने आपको बताया नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में अभी तक, ठीक है। इट इज द लास्ट कंफ्यूजिंग डिपार्टमेंट फॉर टुडे, बेसिकली इसके अलावा कोई और कंफ्यूजिंग डिपार्टमेंट है नहीं, बाकी मैंने पढ़ा दिए। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ए, बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और देखें कि किसके अंडर आता है। सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये याद करने वाली चीज है कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं हमारे पास जिनको कोई हेड नहीं करता है, दे डायरेक्टली कम्स अंडर PMO, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर दो डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज रिटन ऑन द स्क्रीन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब का बटन होता है नीचे, उसको दबा के आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।